प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 39 स्टार प्रचारकों में शामिल हैं, जो लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। भाजपा द्वारा बिहार के लिए जारी स्टार प्रचारकों की सूची में पार्टी ने अपने प्रमुख जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी शामिल किया है। सूची में जगह पाने वाले राज्य के नेताओं में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मंत्री रेणु देवी, मंगल पांडे, प्रेम कुमार, नीरज कुमार सिंह तथा पूर्व सांसद सैयद सहनवाज हुसैन और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी शामिल है। इसमें पूर्व बीजेपी ने रविवार को राज्य के 17 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे सहित 3 मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं दिया है। पार्टी ने 2019 में लगातार दूसरी बार बक्सर से चुनाव चुने गए चौबे को पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। शेष सभी 14 उम्मीदवार मौजूदा सांसद हैं, जो अपनी अपनी सीटों से फिर से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के स्टार प्रचारकों वाली लिस्ट में एक बात गौर करने लायक है, बीजेपी की ओर से इसमें पावर स्टार पवन सिंह का नाम नहीं शामिल किया गया है। पवन सिंह को लेकर अलग अलग तरह की कयासबाजी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी को पवन सिंह से वो व्यवहार ठीक नहीं लगा, जिसमें उन्होंने टिकट लौटा दिया है, इसीलिए पार्टी ने प्रचारकों की लिस्ट से भी बाहर कर दिया है। सियासी जानकारों की माने तो पवन सिंह को लेकर पार्टी में कोई सॉफ्ट कॉर्नर रहता है या कहीं और से उन्हें टिकट देने की बात होती है तो वो प्रचारकों की लिस्ट में जरूर होता। सियासी जानकार मानते हैं कि पवन सिंह के बारे में चर्चा ये है कि वो दूसरे किसी दल से टिकट लेकर भी ताल ठोक सकते हैं। हालांकि इस बात पर उनके समर्थक हामी नहीं भरते हैं। उन्होंने नाम नहीं लेने की शर्त पर बताया है कि पवन सिंह जब भी चुनाव लड़ेंगे बीजेपी से ही लड़ेंगे, वो बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वही जानकार मानते हैं कि पवन सिंह की मुलाकात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई थी, बात नहीं बनी। उसके बाद पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आई, लेकिन उसमें पवन सिंह का नाम नहीं है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों की माने तो पवन सिंह को लेकर पार्टी ने कुछ सोच रखा है। हालांकि ये बात कहीं भी दिख नहीं रही है। पवन सिंह बीजेपी की एक और लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं। ध्यान रहे कि पवन सिंह के आरा से चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि बीजेपी की ओर से ऐसे कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की दावेदारी मजबूत है, उनके नाम का ऐलान भी हो चुका है। सियासी जानकारों की माने तो पवन सिंह ने जल्दबाजी में फैसला ले लिया है और टिकट लौटा दिया है। इससे पार्टी के अंदर एक अच्छा संदेश नहीं गया। जानकारों का कहना है कि मैदान छोड़कर भागने वालों को बीजेपी की ओर से दोबारा बुलावा बहुत कम आता है। हो सकता है कि यूपी की किसी भोजपुरी बहुल मतदाता वाली सीट से पवन सिंह के नाम का ऐलान हो जाए। ध्यान रहे कि टिकट मिलने के बाद पवन सिंह ने कहा था कि मैं अपने समाज, जनता जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद एवं सहयोग अपेक्षित है। हालांकि पवन सिंह ने टिकट मिलने के 24 घंटे के अंदर ही वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ध्यान रहे कि उस सीट पर अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के सांसद हैं। पवन सिंह के फैसले के बाद उनकी तुरंत मुलाकात जेपी नड्डा से हुई थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट से उनका नाम हटने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी उन्हें बिहार में अभी कहीं से टिकट देने के मूड में नहीं है, वो किसी अन्य राज्य से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि देखने वाली बात होगा कि इस पर क्या होता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।